आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। रामपुर के गंगानगर कॉलोनी के रहने वाले सौरभ पेशे से व्यापारी हैं, तो उनकी दुकान मुरादाबाद में है। दो साल पहले सौरभ का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत सौरभ की पत्नी ने अपने क्षेत्र के चौकी प्रभारी आर के कुशवाहा से की थी। दरोगा मामले की पड़ताल के लिए घर आया और उसने महिला से छेड़छाड़ भी की, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। साथ ही दरोगा अपने रसूख के चलते सांठगांठ की वजह से जेल नहीं जा सका। फिलहाल दरोगा शाहजहांपुर में पोस्टेड है, तो पीड़िता ने DIG से मामले की गुहार लगाई है। और उसी समय उन्होंने मेरे साथ फिजिकली मेरा और मेंटली शोषण किया। दो साल तक वो लगातार करते रहे अपने पद के दबाव को लेकर के। मुकदमा तो हो चुका है लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। आज किससे मुलाकात हुई आपसे? DIG साहब से हुई। क्या कहा DIG से? आश्वासन दिया है कि SSP साहब हैं, उनको आपकी जांच देते हैं हम, बस और कुछ नहीं। ये मामला इस तरह से है कि यहाँ कटघर थाने में एक पहले पुलिसकर्मी थे और उन महिला ने शिकायत उनके विरुद्ध की थी, जिसके चक्कर में उनको डिपार्टमेंटल कार्रवाई करके उनको मिसकंडक्ट भी दिया गया है और उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया, जिसमें उसमें चार्जशीट पुलिस द्वारा फाइल कर दी गई। और इसी आचरण के कारण उन उपनिरीक्षक को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो इस समय शाहजहाँपुर में तैनात हैं। आज वो महिला फिर यहाँ पर आई थी और उनका कहना था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर इनको मैसेज भेज रहे हैं, तो उसका संज्ञान लेने के लिए मैंने SSP को और SP शाहजहांपुर दोनों लोगों को मैं पत्र लिख के भेज दिया। आजम खान अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरते नजर आते हैं, तो उनकी जुबान इस बार ऐसी फिसली कि उनके खिलाफ FIR लिखने और कार्रवाई करने की लोगों ने मांग की है। बता दें कि इस बार आजम खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी यूनिवर्सिटी में बने गेस्ट हाउस को डायनामाइट से उड़ा देंगे। तो रामपुर के बिलासपुर विधायक बलदेव सिंह ओलक ने उनको बयान पर तंज कसा। अब वाराणसी में आजम के बयान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, तो वहीं रामपुर में भी भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश गंगवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने DM से मिलकर आजम की जाँच कराने की मांग की है। हम DM साहब से इसलिए मिले, परसों आजम खान ने बयान दिया था कि अगर गेस्ट हाउस के यूनिवर्सिटी के अंदर कोई आएगा तो हम इसको डायनामाइट से उड़ा देंगे। डायनामाइट या तो मिलिट्री के पास है या आतंकवादियों के पास है। तो हमने DM साहब से कहा है यूनिवर्सिटी को सील करके इसकी जांच कराई है, इनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी के जनपद रामपुर के कुछ नेताओं ने हमें एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि पूर्व मंत्री श्री आजम खान द्वारा जो बयान दिए गए हैं उनके संबंध में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। कोई PWD का गेस्ट हाउस है बताया गया है कि जो कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बनाया गया है, उसके संबंध में कुछ इश्यूज़ हैं, इसका परीक्षण कराया जा रहा है और शासन से जैसे ही कुछ निर्देश मिलते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज पर उनके बड़े भाई संत भक्तानंद महाराज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भक्तानंद का आरोप है कि वृंदावन में परिक्रमा मार्ग संत कॉलोनी में उनका आश्रम है, तो वहीं उसी के बराबर में साक्षी महाराज का भी आश्रम है। भक्तानंद स्वामी ने कहा कि उनके आश्रम की बेशकीमती जमीन को साक्षी महाराज हड़पना चाहते हैं, इसी के चलते उनसे मारपीट की गई, अब उनको जान का भी खतरा है। जो हड़पना चाहते हैं इसमें मेन जो व्यक्ति है वो साक्षी जी महाराज हैं और इनके साथ जो लगे हुए व्यक्ति जी जो सांसद हैं। हाँ हाँ, उन्नाव के सांसद हैं, मेरे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं? हाँ, और इन्हीं यही उकसा रहे हैं दूसरों को, जो कमल सिंह है, सरिता है, इधर गोपाल है और श्याम है, इनको यही भड़का रहे हैं और इन्होंने ही मुझे पिटवाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के चलते कई ऐसे लाभार्थी हैं जो अयोग्य हैं, इसी के चलते अब सरकार ने लाभार्थियों की सूची बनाकर उनका पुनः सत्यापन कराने का आदेश दिया है, जिसके चलते पूर्ति विभाग अपात्र लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करेगा, तो सत्यापन टीमें घर घर जाकर नए फॉर्म भी भरेंगी। उस सूची को जब ऑनलाइन किया गया और जब उसको कार्ड में कन्वर्ट किया गया तो कार्ड में पुराने वाले माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की उसमें फोटो थी, कवर पेज में उनका संदेश था, नाम था, इसलिए केवल वो कवर संदेश की वजह से वो केवल कवर नष्ट किया गया है, राशन कार्ड नष्ट नहीं किए। राशन कार्ड के अंदर जो सूचना है सूची है वो एकदम उसको यथावत रखा गया है। हाँ, एक नयापन किया गया है कि उस सूची में पुनः एक जांच की जाए, जांच में जो भी व्यक्ति अपात्र पाए जाए उनको हटाया जाए और उनकी यहाँ पर पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाए। जून में इन्फ्लुएंजा के कहर को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं अस्पतालों पर पैथ लैब के साथ समुचित प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी CMO ने भी पुष्टि की है। बताते हैं कि पूर्वांचल के शहरों में इस बीमारी के कहर से सैकड़ों बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं।
बवासीर का पक्का इलाज खूनी हो या बादी एक ही टीके में गारंटी के साथ जड़ से खत्म। बवासीर का इलाज अब बिना ऑपरेशन सफलतापूर्वक इंजेक्शन द्वारा कराया जाता है। डॉक्टर एएम त्यागी, संपर्क करें 9758415216 9412803030 MSC क्लिनिक, कमालपुर रोड, गोकुलपुर गर्ल रोड, मेरठ।